नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 22D, क्लास 11 मैथमेटिक्स, चैप्टर नेम प्रोबेबिलिटी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम 7 क्वेश्चन. फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स 3 आर ड्रॉन एट रैंडम. फाइंड द चांस दैट दे आर ए किंग, ए क्वीन एंड ए नेव. अब इसमें समझिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन में किंग क्वीन वर्ड तो आप जानते हैं, बट वर्ड मीन ऑफ नेव, इसका मतलब होता है जैक, जोकर जिसको हम लोग बोलते हैं. अगर आपने प्लेइंग कार्ड्स देखा होगा तो जैक होगा, उसी की जगह पे ये वर्ड यूज़ हो रहा है. क्लियर? तो क्वेश्चन तो बिल्कुल उसी तरीके से, बट थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. अब क्वेश्चन सुनिएगा क्या कह रहा है. फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड मीन्स प्लेइंग कार्ड, जाहिर सी बात 52 होगा. 3 कार्ड्स आर ड्रॉन मीन्स टोटल कितने कार्ड निकाले जा रहे हैं, 3 कार्ड का सिलेक्शन हो रहा है. तो आपके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 52C3. इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमको 52 51 50 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1. आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. कुछ आएगा यहाँ पे ना, अभी क्या आएगा वो लिखा जाता है, देखा जाता है. उसके बाद कह रहे हैं आपसे, फाइंड द चांस दैट दे आर ए किंग, अ क्वीन एंड अ केव. मीन्स यहाँ पर किंग कितने होते हैं ये आपको समझना है. जाहिर सी बात उसमें से कोई भी एक किंग निकल आएगा तो ये माना जाएगा जो आप चाह रहे थे वो काम हो जाता है. 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होगी और 4 जैक होगा. ठीक, ये कितना मेथड हो जाएगा, 4 × 4 × 4 एज ए 64. क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है आपको. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एनी अपॉन एनएस, यानी कि 64 डिवाइडेड बाई ये जो रिजल्ट मिला था हमारा 26 17 एंड 50. इसको सॉल्व कर ले, इसका रिजल्ट हमको मिल जाएगा. ये हो जाएगा 16, ये 25 और ये 13, ठीक ना. इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 16 अपॉन 13 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 25, 5525 एज ए आंसर. ओके, अगर आप चाहिए तो आप डायरेक्ट रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ ए किंग 4C1 अपॉन 52. अब एक कार्ड कम हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसलिए 4C1 अपॉन 51, नेक्स्ट 4C1 अपॉन 50. इस तरीके से काम होगा तो भी लग सकता है, बट बेटर है कि आप ये मेथड ही अप्लाई करिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल स्पेड्स, दे आर ऑल रेड्स, नन ऑफ देम इज ए क्लब, ऑल ऑफ देम आर एसेस. सो पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, क्या फाइंड करना है. अब देखिए, सबसे पहले उसने ये कहा है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स. मीन्स आपको क्या करना है, टोटल आउटकम्स निकालने की कितने तरह से आपको रिजल्ट मिल सकते हैं. तो टोटल आउटकम्स NS इज इक्वल टू 52C3. इसको ऐसे रहने देते हैं, बाद में इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या रिजल्ट मिल रहा है. ये हो गई 53 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल स्पेड्स. अब सबसे पहला काम, स्पेड कार्ड्स कितने होते हैं. फर्स्ट इवेंट आपकी है, फर्स्ट पार्ट का स्पेड 13 कार्ड होते हैं. तो उस 13 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड निकल आएगा तो ये माना जाएगा जो आप चाह रहे थे वो आपकी फेवरेबल आउटकम्स है. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड इज इक्वल टू 13C3 अपॉन 52C3. ठीक, अब इसकी वैल्यू पुट कर दें और सॉल्व कर लें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व करते वक्त ध्यान दीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा C3 सेम है तो शायद रिजल्ट सेम आएगा, ऐसा नहीं होगा. क्योंकि कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा. देखिए रिजल्ट ऐसे बनेगा, 13 आप फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 फैक्टोरियल ऑफ 13 − 3. तो न्यूमरेटर का हो गया सेम एज फॉर डिनोमिनेटर, फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल ऑफ 52 − 3 एंड फैक्टोरियल ऑफ 3. तो ये 3 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब तो आपका बचेगा ही.
तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अब आप इसको सिंपलीफाई करिएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा ऐसे। देखिए, फैक्टोरियल ऑफ 13 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ 49 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ 10 एंड मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ 52। तो अब इस टर्म को जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है, देखिए। अब इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर पूरा क्लियर होना चाहिए। 13 को हम लिख सकते हैं 13, 12, 11 एंड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल 10। 49 को उसी तरीके से रहने दीजिए, इन डिनोमिनेटर फैक्टोरियल 10। 52 को लिखा जा सकता है 52, 51, 50 एंड 49। सो 49 कैंसिल विद 49 एंड 10 कैंसिल विद फैक्टोरियल 10, कैंसिल विद फैक्टोरियल 10। अब इसमें कुछ और कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दें। 13 फोर ज़ 52, 4 थ्री ज़ 12, 3 17 ज़ 51। यानी कि आपको रिजल्ट क्या मिल गया, 11 अपॉन 17 इंटू 50। और तो कुछ नहीं है ना, 17 इंटू 50 मीन्स 850 एज ए आंसर। तो इस तरीके से आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मेथड सॉल्व करना जानिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो तो सीधा सीधा है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। बट अगर आपको कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करना नहीं आता है तो इस क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा। तो बेटर है कि पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के टॉपिक को भी क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब हम हर क्वेश्चन में इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया था। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट, दे आर ऑल रेड कार्ड्स। अब सारे कार्ड आपके रेड होने चाहिए। अभी तक क्या था फर्स्ट पार्ट में, दे आर ऑल स्पेड कार्ड। तो अगर रेड कार्ड होंगे तो ये तो स्पेड कार्ड स्पेशली पर सूट 13 कार्ड्स का होता है, बट जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो दो ही कलर के होते हैं। 26 कार्ड आपके ब्लैक होंगे, 26 कार्ड आपके रेड होंगे। तो जहाँ पर हमने 13 का यूज़ किया वहाँ पर अब क्या यूज़ करेंगे, 26 कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। सेकेंड पार्ट ना, टोटल कार्ड कितने हो गए आपके 52, उसमें से सिलेक्शन कितने का हो रहा है, 3 कार्ड का। ये हो गया, सॉल्व नहीं कर रहे, अभी देखा जाएगा क्या मिलता है। अच्छा, आपको रेड कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड होते हैं आपके 26 रेड कार्ड ना। तो 26 में से 3 का सिलेक्शन करेंगे तो 26C3 ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल रेड कार्ड इज इक्वल टू 26C3 अपॉन 52C3। इसको एक काम शॉर्टकट अगर आपको करना है तो एक बात बता देता हूँ, वो समझिएगा। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, तो 26 को 3 स्टेप कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के फॉर्म में लिख दीजिए, 26, 25 एंड 24। ऐसे ही फैक्टोरियल लिखा जाता है ना, एक एक कम करते हुए, बट ओनली 3 स्टेप तक लिखिए। और नीचे फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे 3 है इसलिए 52 को भी उसी ऑर्डर में लिख दें, 52, 51 एंड 50। लेकिन फिर भी हम कहेंगे आप इसका पूरा मेथड अप्लाई करिए जैसे फर्स्ट पार्ट में किया गया, वरना मिस्टेक हो जाएगी। आपके पास चॉइस नहीं होती एग्ज़ाम में, सिर्फ एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो सही है तो नंबर मिल जाएगा, रॉन्ग है तो नंबर कट जाएगा। तो बेटर है कि आप फुल कॉन्फिडेंट रहिएगा तभी इस मेथड को अप्लाई करिएगा, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप पूरे फॉर्म को सॉल्व करिए तभी आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा, क्योंकि एक भी मिस्टेक होगी तो काम खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो ये ऐसी गलती ना करिएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करिए, आपको सॉल्व करके जो भी रिजल्ट मिलेगा वो सही होना चाहिए। ये होगा 26 टू ज़ा 52, और भी कुछ कैंसिल हो सकता है, 25 टू ज़ा 50। अच्छा, इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 12, 2 6, 3 2, 3 17 मीन्स 2 अपॉन 17 एज ए आंसर, 2 अपॉन 17 एज ए आंसर। क्लियर? ओके, यहाँ मकसद आपको कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, बट कैलकुलेशन कैसे होगा ये आप समझ रहे हैं। मेन मकसद सिर्फ हमारा ये है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कौन कौन से डिजिट वहाँ पर आ रही है, बाकी काम आपका अपना है। हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप उसको एडिट कर लीजिएगा, वो उस टॉपिक पे नहीं जाना। नाउ थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है नन ऑफ देम इज अ क्लब। तो अगर क्लब कार्ड कितने होते हैं, 13, नन ऑफ देम आर क्लब मीन्स उसमें से कोई भी क्लब ना हो, तो 13 के अलावा जितने भी कार्ड हो सकते हैं वो कुछ आ जाएं तो आपकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स के फॉर्म में होगी।
यानी कि अगर 13 कार्ड आपके क्लब कार्ड हैं तो कितने कार्ड ऐसे हैं जो क्लब कार्ड नहीं होंगे? 39। टोटल कितने कार्ड होंगे? 52 कार्ड होंगे। तो 52 कार्ड में से 3 कार्ड के सिलेक्शन के लिए 52C3 हो जाएगा। बट आपसे क्वेश्चन में कहा गया ऑल, सॉरी नन इज अ क्लब कार्ड, इसमें से कोई भी एक क्लब कार्ड ना हो, ठीक। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, हर सूट में 13 13 13 होते हैं ना, ऐसे होते हैं। 13 फर्स्ट सूट में होगा, 13 आपका सेकंड सूट में होगा, 13 आपका फोर्थ सूट में होगा, प्लस 13 आपका फोर्थ सूट होता है। तो अगर क्लब कार्ड हटा दिया जाए तो टोटल कितने कार्ड आपके पास बचे? 13 प्लस 13 प्लस 13, 39 कार्ड। इस 39 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड आपका फेवरेबल आउटकम्स में हो सकता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए क्लब कार्ड इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। यही होगा ना, जैसे अभी इससे पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। 39 38 37 एंड फॉर 52 52 51 एंड 50, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको रिजल्ट कुछ मिल जाएगा। इस तरह से रिजल्ट आएगा 703/1700। कैलकुलेशन आपका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो वो कोई मसला नहीं है, वो आप सभी से हो जाएगा। ये हो गया थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट, ऑल ऑफ देम आर एसेज, यानी कि तीन के तीनों कार्ड क्या होने चाहिए? एसेज होने चाहिए। हाउ मेनी एसेज आर देयर? ओनली 4 एसेज ना, जिसको हम लोग एक का वर्ड यूज़ करते हैं, किंग क्वीन जैक एंड एस, ये होता है ना। तो हर सूट में एक एस होगा, तो टोटल 4 एसेज होते हैं। सो क्वेश्चन फोर्थ पार्ट कर रहा है, ऑल ऑफ देम आर एसेज। देखिए इस तरह से होगा ना, जो पॉसिबल आउटकम्स है 52C3 होगा, एंड फेवरेबल आउटकम्स मीन्स एसेज के लिए 4C3 होगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमको फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल कार्ड्स आर एसेज इज इक्वल टू 4C3/52C3। नो वैल्यू पुट कर दी जाए, जैसे मेथड बताया था, 4 3 2 डिवाइडेड बाई 52 51 एंड 50। फिर बोलूँगा इस मेथड को आप तभी अप्लाई करिए जबकि फुल कॉन्फिडेंट हो, अदरवाइज कॉम्बिनेशन का पूरा रूल अप्लाई करिएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर बदल जाएगा तो आप परेशान हो जाइएगा, फिर तो आपका आंसर आने से रहा, तो वो काम मत करिएगा तो बेहतर है। नो ये 13 हो गए, 17 हो गए एंड ये 25 होगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हमको रिजल्ट मालूम हो जाएगा 1/5525 1/5525, या जो भी आपकी रिजल्ट आ रहा हो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। क्लियर? तो ये हो गया फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9।